बेरोजगारी को खत्म करेंगे, ये संकल्प हमारा है। इन पैसा लिए पैसा देंगे, ये संकल्प हमारा है। आसमान को मुट्ठी में करने का भी ठान लिया है। हर तरफ से आए दोस्तों, नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में जिन्होंने से पहले डिजिटल क्रांति की शुरुआत की, डिजिटल तरीके से नेटवर्किंग करना सिखाया, MLM करना सिखाया, मिस्टर महेश वर्मा जी, रात में देहांत हो चुका है। जो चैम कैश के CMD थे, सबसे पहले भारत में जो कंपनी लॉन्च हुई थी चैम कैश के नाम से, उसके पहले तो बहुत सारी MLM कंपनियाँ थी जो ऑफलाइन वर्क करती थी, प्रोडक्ट बेस काम करती थी, बट इनकी जो कंपनी थी चैम कैश हरियाणा से शुरू हुई थी और ये हरियाणा के रहने वाले भी हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया, डिजिटल तरीके से काम करना सिखाया, लाखों लोगों को रोज़गार दिया। एक बहुत ही अच्छे इंसान थे मिस्टर महेश वर्मा जी, जिनका रात में देहांत हो गया। ये बीमारी के कारण हुआ है, शायद इनको डेंगू हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि डेंगू हुआ था, जो एक महीने पहले से बीमार थे, 3-4 दिन पहले अभी दिल्ली में आए हुए थे, रिफ़र किया गया था वहाँ से, हरियाणा से, और यहाँ इनका देहांत हो गया। दोस्तों, मिस्टर महेश वर्मा जी को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की थी भारत में। तो हमारी तरफ से इनको श्रद्धांजलि, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। इस समय आप सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 से देख रहे हैं, और हम आपको बता दें कि एक दुखदायी खबर है। करनाल के ही रहने वाले महेश वर्मा, जो चैम्प कैश के MD थे, उनकी जो है मौत हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी फोटोज में जो है हंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि महेश वर्मा करनाल के इकलौते ऐसे युवा थे जिनकी 31 साल के जो महेश वर्मा युवा थे, और आज जो है उनकी इस हुए हादसे में, हम आपको बता दें कि डेंगू से वह पीड़ित थे और उनकी जो है इस हादसे में मौत हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके घर हम पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं महेश वर्मा की, चैम्प कैश के वह MD थे। दुखद खबर है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। महेश वर्मा के साथ लाखों लोग जो है जुड़े हुए थे, और महेश वर्मा इकलौते ऐसे युवा थे जिन्होंने इतनी जल्दी जो है तरक्की की और हजारों लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा। और आप तस्वीरें समय उन्हीं के घर से देख रहे हैं। हालांकि काफी लोगों के हमारे को फोन आ रहे हैं, देश भर से उनके जानने वालों के हमें फोन आ रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो है मौत हुई है, दुखद मौत हुई है। मात्र 31 साल के वे थे। हम आपको बता दें कि महेश वर्मा करनाल के सेक्टर 14 के रहने वाले थे और डेंगू से वे पीड़ित थे, और पिछले 40 दिनों से जो है उनको डेंगू हुआ था। पहले उनको करनाल के अमृत धारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उनकी जब हालत बिगड़ी उनको दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया था। और महेश वर्मा ने काफी ज्यादा तरक्की की पिछले 2-3 साल में, कितने लोगों को उन्होंने जोड़ा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं नेटवर्किंग में, जो उन्होंने ऐप बनाई उसके जल्दी कितनी जल्दी उन्होंने तरक्की की, पूरा देश भर उनको जानता है। महेश वर्मा करनाल के रहने वाले थे। मैं आपको बता दें कि चैम्प कैश जो एक ऐप थी, उसके माध्यम से, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लाखों लोगों तक पैसा पहुंचता था। अगर कोई भी शख्स चैम्प कैश ऐप को डाउनलोड करता था तो वो उसके साथ जुड़ जाता था और उसके पास उसके अपने आप अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाते थे। हजारों लाखों लोग जो है धीरे धीरे जुड़ते गए, और एक चैन सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम पूरे देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी जो है फैलता गया। और महेश वर्मा करनाल के सेक्टर 14 के इसी मकान के रहने वाले थे। हम आपको बता दें कि महज 31 साल के थे महेश वर्मा, 1986 में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता हमारे साथ हैं। हालांकि दुखदायी खबर है, लेकिन लगातार उनके जानने वालों के फोन आ रहे हैं, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, एक परिवार की तरह वह काम करते थे, उन्होंने काफी तरक्की की। तो आज उनके पिता सबसे पहले हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, आप बताएं कि दुखदायी खबर है, सभी लोग जो है इस उनकी मौत पर दुख जता रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने बेटे के बारे में, कैसे क्या हुआ? मेरा बेटा एक ऐसा बेटा था जो मतलब कभी कभी संसार में आता है इस टाइप के लोग, उन्होंने 2-3 साल में ऐसा कुछ कर दिखाया जो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। उसके करोड़ों लड़के हैं जो उसके अनुयायी हैं, जो उसको अपना लीडर मानते हैं, जो उसको अपना हेड मानते हैं, जो अपना उसको प्रिय मानते हैं, और उन सब लोग बहुत दुखी हैं इसे। और ये हम डिजिटल इंडिया के लिए काम कर रहे थे, डिजिटल इंडिया पर इन्होंने बहुत बड़ा वर्क किया,
और ये चाह रहे थे कि हम अपने देश से बेरोजगारी को दूर करें और उसमें ये लगे हुए हैं और ये सिस्टम हम चाह रहे हैं कि इस सिस्टम को आगे भी बढ़ाएंगे उनके इस सिस्टम को। कितने समय से बीमार थे और क्या हुआ था? ये 19 सितंबर को इनको बुखार हुआ था और वो अगले दिन टेस्ट कराया तो डेंगू पाया गया और हमने डॉक्टर के कहने से दवाई स्टार्ट रखी, उसके बाद दाखिल कराया तो दाखिल करने के बाद राजीव गुप्ता जो करनाल में हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इलाज किया। फिर कुदरती रोग बढ़ने की वजह से हम मैदानता में गए और जहां एक महीना एक दिन रहने के बाद हमें कोई आराम नहीं आया और हमारा केस खराब होता चला गया। उसके बाद हम मैक्स अस्पताल में आए, वहां भी डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की और फिर परंतु फिर भी हम उसको बचा नहीं पाए, परमात्मा उसको हमसे छीन कर ले गए। तो ये आप देख सकते हैं कि वर्मा जी के ये पिता हैं कंवर भान जी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनको डेंगू हुआ था, डेंगू इतना ज्यादा खराब हो गया था जिसके कारण लगातार वह 40 दिनों से इस बीमारी से ग्रस्त थे और करनाल के निजी हॉस्पिटल के बाद उनको दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया जहां पर बीती देर रात उनकी मौत हुई और उनके शव को करनाल में उनके घर लाया गया, सेक्टर 14 के मकान नंबर में लाया गया, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले 4:30 बजे अर्जुन गेट शिवपुरी में जो है उनका संस्कार किया गया। वहां भी सैकड़ों हजारों लोग पहुंचे हुए थे। उनके कुछ जानने वाले हैं जो हमें बता पाएंगे वर्मा जी के बारे में कि आखिरकार उन्होंने इतनी तरक्की की, चैंपकैश के एमडी वे रहे, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आप बताएं जिनकी मौत हुई है क्या कुछ उनके बारे में सर बताना चाहेंगे? जी महेश सर एक ऐसे इंसान थे जो फ्री में लोगों को रोजगार का कॉन्सेप्ट महेश वर्मा ने तैयार किया और पूरे देश भर में ही नहीं विदेशों से भी लोगों को रोजगार दिया। वो एक ऐसे इंसान थे बगैर पैसा लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट हमें आज तक नहीं मिला। मैं भी खुद पिछले 3 साल से इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 3 साल से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ बहुत कुछ बदल गई है और मेरी ही नहीं लाखों लोगों की लाइफ बदल गई है। सर किस नाम से उनकी कंपनी थी और कैसे उनके दिमाग में आया इस कंपनी को बनाया गया और क्या कुछ कैसे पता चला? चैंपकैश कंपनी थी जो चैंपियन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी। इस कंपनी का काम था कि एडवर्टाइजर की ऐड कराना, एडवर्टाइजर से पैसा लेना, उस पैसे को फिर लोगों में बांटना एक नेटवर्किंग सिस्टम के तहत। इनके किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, पैसा लिया जाता है सिर्फ एडवर्टाइजर से और उनसे पैसा लेके वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो डाउनलोड करनी पड़ती थी ऐप? क्या जी 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 एप्लीकेशन 1 टाइम डाउनलोड करनी थी और वो चल भी रही है। तो सर 31 साल के महेश से वर्मा जी और कैसे उनकी मौत हुई, कितने दिनों से वे बीमार थे और कहाँ कहाँ वे रहे करनाल में? शुरू से उनका परिवार रहता है, क्या कुछ करता है परिवार? जी जी लगभग 40-45 दिन पहले उन्हें बुखार हुआ था, डेंगू बुखार हुआ था। स्टार्टिंग में वो हैप्पी हॉस्पिटल में गए, फिर उसके बाद अमृत धारा, फिर मैदानता लेके गए और फिर मैक्स हॉस्पिटल में आखिरकार उनका देहांत हो गया। बहुत मेहनत की डॉक्टरों ने भी और पर उन्हें नहीं बचा पाए। उनके परिवार में उनके पिताजी हैं, उनकी वाइफ है मैडम आकांक्षा जी, उनकी लड़की है कैरवी, माताजी हैं और 2 सिस्टर हैं उनकी। तो ये आपने देखा कि उनके परिवार में काफी हैं। हम आपको बता दें कि चैंपकैश ऐप ऐसी पहली ऐप थी जिसको लाखों लोगों ने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने से उन सभी के परिवार जो है चल रहे थे, 10 लाख से ऊपर जो लोग हैं वो जो जानकारी मिली है कि डाउनलोड कर चुके थे। हालांकि हम चाहेंगे उनके 2 करोड़ से ऊपर जो लोग थे वो डाउनलोड कर चुके थे, क्षमा चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो ऐप बनाई, आगे जो उनकी टीम के अन्य सदस्य थे, जो परिवार के सदस्य थे, वो भी लगातार चाहेंगे कि उनके इस बिजनेस को, उनके इस नाम को आगे तक पहुंचाया जाए। और इस समय राजस्थान से भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले उनके और कुछ साथियों से बातचीत करते हैं। सर आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे महेश वर्मा जी के बारे में? महेश वर्मा जी हमारे छोटे भाई हैं और वो लोगों के दिलों के अंदर जिंदा रहेंगे क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। क्योंकि आज तक हमने जो भी देखा है कि फेसबुक, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे वर्ल्ड लेवल पे मतलब नाम कमाया, लेकिन जिस तरह से कल्पना चावला ने करनाल का नाम रोशन किया उसी तरह महेश वर्मा जी ने भी करनाल का नाम चैंपकैश के माध्यम से रोशन किया और बहुत सारे उनके जो साथी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। फ्री के अंदर बहुत अच्छा पैसा उन्होंने कमाया और एक प्यार है उनके लिए। महेश वर्मा जी ने जब तक जिए एक राजा की ज़िंदगी उन्होंने मतलब जीरो से शुरू हो गए और हीरो की ज़िंदगी उन्होंने अपनी और अपने जो भी उनके साथी थे उन सबकी बनाई। और महेश वर्मा जी ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुआ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को उन्होंने भला किया। उनकी एक अच्छी सोच थी, मैं काफ़ी उनके क्लोज रहा हूँ और लगभग
बचपन से मैं उनको जानता हूँ, जितनी अच्छी सोच उनकी रही है, मेरे ख्याल से परिवार के अंदर उन्होंने पूरे परिवार का नाम रोशन किया। ऐसा बच्चा मेरे ख्याल से शायद ही जिंदगी के अंदर दोबारा इस परिवार में जन्म ले। मैं चाहूँगा उन्होंने जो भी काम किया, उनकी टीम बहुत अच्छे दिल के साथ, और मेरे ख्याल से जितनी भगवान से प्रार्थनाएं पूरे इंडिया से की गई शायद ही आज तक किसी ने की होंगी, उनकी जो भी टीम उनके साथ जुड़ी है बिल्कुल सच्चे दिल के साथ जुड़ी है, उनके जो भी परिवार के लोग हैं बिल्कुल सच्चे दिल के साथ जुड़े हैं, सभी ने बहुत कोशिशें की अपने लेवल पे। बड़े से बड़े हमारे मेरे मामा जी हैं श्री के बी वर्मा जी, और उन्होंने मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ उन्होंने कोशिश ना की हो, उन्होंने मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश की। बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने कोशिश की, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल का जो हॉस्पिटल था मेदांता उसके अंदर भी उन्होंने दिन रात एक की, लेकिन किस्मत और भगवान के आगे कोई। आप सुन रहे थे महेश वर्मा के सभी परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है। हम आपको अंतिम दिनों की महेश वर्मा की आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें भी आप देख सकते हैं कि महेश वर्मा किस तरह से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी दिनों तक वह बिल्कुल खुश रहते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज की खुशी थी कि लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं महेश वर्मा की, जो चैंपकैश के MD थे, करनाल के सेक्टर 14 के रहने वाले थे। अंतिम दिनों की उनकी फोटो है, हॉस्पिटल में उपचाराधीन। हम आपको महेश वर्मा के बारे में एक और चीज बताना चाहेंगे कि हम हालांकि उनसे नहीं मिल पाए हैं, मुलाकात नहीं हो पाई, कि करनाल के एक ऐसे युवा थे जिसको करनाल के लोग काफी कम जानते होंगे महेश वर्मा के बारे में, लेकिन बाहर के लोग बहुत ज्यादा उनके बारे में जानते हैं। चैंपकैश परिवार से काफी लाखों करोड़ों लोग जो हैं जुड़े हुए थे। वह चैंपकैश एक कंपनी उन्होंने बनाई थी जो ऐप डाउनलोड करने पर रोजगार देती थी, और किस तरह से एडवर्टाइजर से जो है पैसा लिया जाता था, सब कुछ नेटवर्किंग के माध्यम से होता था। और बहुत कम समय में, 2.5 से 3 साल में उन्होंने बहुत तरक्की की। करनाल के सेक्टर 14 से उन्होंने अपना बिजनेस देश भर में जो है खोला, और करनाल के इस 31 साल के नौजवान युवक का जो दिमाग था वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ जो है हजारों लाखों परिवार जुड़े हुए हैं जो आज भी उनको याद कर रहे हैं। काफी फोन हमें दूर दूर से पहुंच रहे थे कि उनको इस न्यूज पे जो है विश्वास नहीं हो रहा था, इस दुखद खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उनके MD हैं कंपनी के चैंपकैश के, जो महज 31 साल के थे, 31 ईयर्स के थे और युवा थे, उनकी जो है मौत हो गई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, जिसके चलते आज हम उनके घर में पहुंचे हैं। हालांकि समय नहीं है कि उनके घर से उनके परिवार के लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं और लाखों लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, जिसको लेकर आज हम इनके परिवार के बीच में पहुंचे हैं। राजस्थान से उनके कुछ साथी पहुंचे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, आप बताएं कैसे आपकी महेश वर्मा जी से मुलाकात हो रही, किस तरह से आप लोग काम करते थे। महेश वर्मा जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश भर के युवकों की जिंदगी को बदल के रख दिया, क्योंकि उन्होंने फ्री में एक ऐसा रोजगार दिया। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैंने चैंपकैश के सिस्टम से लाखों रुपए कमाए। मैं प्लेटिनम अचीवर बना इसके अंदर, और मेरे गांव में सोच नहीं सकते लोग कि मैं इतनी छोटी उम्र में इतना पैसा कमा सकता हूँ, और पूरे देश के युवकों को इतना बड़ा रोजगार दिया। आज भी पूरे देश में कई लोगों की घर है, उनकी राशन सामग्री है, वो महेश वर्मा की वजह से जाती है। किस नाम से कंपनी कब बनाई थी और कैसे इसमें लोगों की आमदन? 1 मई 2015 को बनाई थी, और चैंपियन प्राइवेट लिमिटेड चैंपकैश। किस हिसाब से मतलब लोगों को रोजगार मिलता है? देखो, इसमें एडवर्टाइजमेंट होती है, और जो एडवर्टाइजर होते हैं उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई जाती थी, और वन टाइम चैंपकैश को इंस्टॉल करना रहता था, और 7 लेवल में इसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था एक नेटवर्किंग सिस्टम के द्वारा। सब कुछ ऑनलाइन रहता? जी बिल्कुल। तो उनकी मौत पर किस तरह से लोगों में दुख हो रहा है? देखो, पूरे देश में मातम छाया हुआ है, और लोग पूरी तरह से दुखी है कि आगे सिस्टम को किस प्रकार चलाया जाएगा, लेकिन पूरे लीडर्स सब लोग साथ है और आगे भी सिस्टम इसी प्रकार चलता रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, हम उनके घर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि सभी लोगों की आंखें नम है, क्योंकि एक घर के परिवार जो सिर्फ महज 31 साल के थे, आज उनकी जो है मौत हुई है डेंगू के कारण, उन्होंने जो है दम तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं पूरे करनाल के लोगों को इस समय उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप ने बड़े बड़े लोग देखे होंगे शायद, लेकिन महेश वर्मा के बारे में हम आपको बता दें कि अकेले ऐसे नौजवान युवक थे जिनका दिमाग बहुत ज्यादा था, और 31 साल की उम्र में उन्होंने, आप अंदाजा लगाइए कि बगैर किसी पावर के, बगैर किसी कोई बड़े परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे, मीडियम क्लास फैमिली से वे बिलोंग रखते थे, लेकिन 31 साल की उम्र में आप मान सकते हैं कि लाखों लोगों को रोजगार देना, महज 2.5 से 3 साल की उम्र में, 2.5 से 3 साल के इस प्रोजेक्ट में उन्होंने लाखों लोगों को जो है रोजगार दिया, तो वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन आज जो है वो हमारे बीच में नहीं है, कुछ और परिवार के लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बहन हमारे साथ है, महेश वर्मा जी की बहन है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि लाखों लोगों को ने, जिस परिवार ने रोजगार दिया, उनकी बहन हमारे साथ है, उनसे हम जानना चाहेंगे। दीदी आप बताएं, काफी दुख हो रहा होगा आज महेश जी आपके बीच में नहीं है, लेकिन लाखों लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं कि उन्होंने उनको रोजगार दिया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी भैया, वो एक हीरा है जो दुनिया ने खोया है एक तरह से, मैं सिर्फ यही कहूंगी।
कि वो बहुत अमूल्य चीज़ थी, अमूल्य इंसान थे जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे, मगर उनकी मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जो बनाया, उन्होंने जो चीज़ें शुरू की है, हमें उसको आगे तक ले जाना है। हमें पूरी मेहनत से सबको मिलजुल कर काम करना है और उसको और आगे तक बढ़ाना है। हमें उनके नाम को रोशन रखना है, हमें इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, जिससे जितना भी एफर्ट हो सके चैमकेश के, मैं हर एक बंदे से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ और भी जो इसमें जुड़ेंगे आगे, कि वो इसको और आगे तक लेकर जाए, उनके नाम को रोशन करें। कितने लोगों को परिवार उनसे रोजगार चलता था, सभी याद कर रहे हैं? लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो उनके नेटवर्क में है अभी चैमकेश परिवार में। आज अगर मान लो इंडस्ट्री में एयरलाइंस का नाम लिया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये जो डिजिटल इंडिया की जो अगर नाम लिया जाए, तो सबसे पहले महेश वर्मा जी का नाम लिया जाएगा और बच्चा बच्चा आने वाले टाइम में भी महेश वर्मा जी को याद रखेगा, क्योंकि जो काम उनने शुरुआत की है, क्योंकि शुरुआत करने वाला का नाम आखिर तक रहता है, तो महेश वर्मा जी ने जो शुरुआत की है वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उनका एक ही सपना था कि डिजिटल इंडिया का साकार, जो मोदी जी ने सपना देखा था वो डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने का, मतलब जो आकार दिया था वो महेश वर्मा जी ने दिया था। किस नाम से उनकी कंपनी थी और कैसे डेथ हुई? उनकी डेंगू की वजह से, उनको डेंगू हो गया था और लगभग 50 दिन उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने पूरी फाइट की महेश वर्मा जी को बचाने के लिए, लेकिन परमात्मा के आगे कोई भी नहीं कुछ कर सकता। महेश वर्मा जी के ताऊ जी हैं साथ में, काफी लोगों को रोजगार भी, बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो महेश वर्मा जी के पिता ताऊ जी हैं, हमारे साथ ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे कि महेश जी के बारे में? महेश वर्मा एक होनहार लड़का था, उसका संकल्प था कि पूरे भारतवर्ष से बेरोजगारी को मैं दूर करूं, उसका ये पक्का संकल्प था। यदि भगवान उसको लंबी उम्र देता तो वो अवश्य ही भारत से बेरोजगारी दूर कर देता और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बच्चों को बिना पैसे लगाए रोजगार प्राप्त करवाता। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी यही है कि वो हमें इसको आगे और बढ़ाना है और लाखों करोड़ों रोजगार को लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि उनके घर पहुंचे थे और किस तरह से परिवार के लोगों को आज गर्व है कि वह महेश वर्मा के रिश्तेदार हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उनके टीम के सदस्य हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे युवा हैं जो महज 31 साल के थे और किस तरह से उन्होंने 3 साल के अपने इस प्रोजेक्ट में लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों ऐसे परिवारों को रोजगार दिया जो किसी दूसरे प्रदेश के किसी एक कोने से, किसी गांव से बिलोंग रखते थे, और उन युवाओं ने किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करना शुरू किया, और किस तरह से आपने देखा कि एक नौजवान युवक जो राजस्थान से बिलोंग रखते हैं और किस तरह से वहां से वह पहुंचे हैं, और वाकई काफी जो है आप देख सकते हैं कि काफी लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं महेश वर्मा को हम करनाल वासियों की तरफ से, करनाल ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, जिन जो परिवार, जो लोग, लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, जिनको वह रोजगार दे रहे थे एक नेटवर्किंग कंपनी के माध्यम से जिसका नाम चैंपकैश था, उन सभी की तरफ से हम सभी परिवार के लोगों को आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर।